नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बनाकर लाई हूं ये खिले खिले जवे। जवे सभी को खाना पसंद है और सर्दियों में स्पेशली इसलिए खाया जाता है क्योंकि मटर भी अवेलेबल होती है और काफ़ी सारे सब्जी के ऑप्शन भी होते हैं। सब्जी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन आलू और मटर वाले जो जवे हैं वही ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो यही जवे बहुत ही टेस्टी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे और एकदम खिला खिला, जैसा आप देख सकते हैं, बिल्कुल खिले हुए जवे बनाएंगे फ्रेंड्स, और झटपट बनकर ये तैयार भी हो जाएंगे। तो फिर चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। जवे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे सरसों का ऑयल। फ्रेंड्स, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो देसी घी के अंदर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग देसी घी यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर हम सरसों का तेल ले रहे हैं। देसी घी में बनाइएगा मत, लेकिन ऐसी टिप मैं आपको आगे बता दूंगी जिससे कि बिल्कुल देसी घी में बने हुए जवों का आपको टेस्ट आएगा। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन में बनाए जाते हैं जवे। अजवाइन पक जाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 कटे हुए लहसुन। बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं खाते हैं तो बिल्कुल स्किप करें। लहसुन को थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए इस पर। आधा चम्मच ऐड करेंगे घिसा हुआ अदरक। 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसे ऑयल में अच्छे से भून लेंगे ताकि ये जो कच्चापन है अदरक का और हरी मिर्च का, ये निकल जाए। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कटे हुए आलू। ऐसे मीडियम साइज में हमने ये आलू काटे हैं। 1 बाउल डालेंगे मटर, ये फ्रोज़न मटर है, यानी कि फ्रीज़र में रखी हुई तो जल्दी गलेंगी। और 1 प्याज डालेंगे। फ्रेंड्स, प्याज आप चाहें तो लहसुन के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका कच्चापन पसंद है, प्याज का थोड़ा क्रिस्पी पसंद है जवों के अंदर, तो मैं इसे बाद में ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम हाई करेंगे और 1 मिनट के लिए इन्हें भून लेंगे। सब्जियाँ सारी अच्छे से भून चुकी हैं तो अभी हम अंदर ऐड करेंगे 2 कटे हुए टमाटर। ये स्मॉल साइज़ के टमाटर थे, अगर बड़ा टमाटर है तो 1 ही डालेंगे, काफ़ी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो यहाँ पर आलू मटर टमाटर के हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ। चुटकी भर हींग डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं ये ऑयल के अंदर भुन जाएं। और इसे कवर कर देंगे। कवर करके हमें इसे पकाना है 1 से 1.5 मिनट के लिए ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट बाद हमने लिड हटाई है और पहले से काफ़ी आलू गल चुके हैं। चेक करके देख लेते हैं, थोड़ा सा खड़ापन रहना चाहिए आलूओं में, ये देखिए। तो इसी तरीके से हमें आलू गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि पानी में भी अभी गलेगा। हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स 1 कप जवों के हिसाब से लिए हैं, तो यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ मैं। तो ये आधा गिलास पानी और ऐड कर लेंगे हम इसमें, तो 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है अभी। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नमक। फ्रेंड्स, हमने आलू के हिसाब से नमक ऐड किया था, तो थोड़ा सा और डालेंगे तो जवों के अकॉर्डिंग एकदम फिट हो जाएगा नमक। अभी गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, उबाल आ चुका है तो हम 1 मिनट के लिए इसे उबालेंगे ताकि जो आलू का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और उबले हुए पानी के अंदर जो टेस्ट है वो और अच्छा आता है। हम इस पानी को ढक देंगे और आलू को भाप में पकाएंगे। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकेंड के अंदर ये बिल्कुल बॉयल हो जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। 1 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो आपको आलू बिल्कुल गले हुए मिलेंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से तैयार हो गई है ये ग्रेवी। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं जवे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये 1 कप भुने हुए जवे। फ्रेंड्स, मार्केट में भुने हुए जवे आते हैं, और अगर आपके पास कच्चे जवे हैं तो आप पहले उन्हें भून लीजिएगा ऐसे ही कढ़ाई में डालकर, और फिर उसके बाद आप 1 कप जवे इसके अंदर ऐड कीजिएगा। इन जवों की खासियत ये है, 1 तो ये मैदा के नहीं होते। फ्रेंड्स, मैदा नुकसान करती है हेल्थ को। सूजी के ये जवे हैं एकदम प्योर, बारीक होते हैं बहुत ज़्यादा और गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते, फटाफट से बन जाते हैं। हम बस इन्हें 1 मिनट के लिए ढक देंगे और 1 मिनट बाद जब आप देखोगे काफ़ी सोक कर लेंगे ये पानी को। 1 मिनट हो चुका है और ये जो जवे हैं इन्होंने काफ़ी पानी सोख लिया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है। तो अभी पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा लेमन जूस।
फ्रेंड्स, अगर आप लेमन जूस खाना नहीं पसंद करते हैं तो अवॉइड कर दीजिएगा, वरना काफ़ी टेस्टी लगते हैं इसके साथ। अभी हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे पकने देंगे। हाई फ्लेम पर एकदम अच्छे से इसका पानी सूख जाएगा और जवे भी एकदम खिले खिले बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जवे एकदम बन चुके हैं। इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दिया है कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। लास्ट में एक काम और करना है, गैस का फ्लेम ऑफ करना है और इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देना है। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद हमने खोल कर देखा है, गर्मा गर्म चवे तैयार हैं, एकदम खिले हुए बने हैं और इसका टेस्ट भी एकदम अमेजिंग होगा। आप खाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे और ख़ास बात यह है एकदम फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। टिप भी आपको दे देती हूँ फ्रेंड्स, अगर देसी घी का टेस्ट चाहिए तो इसमें ऊपर से आप ऐड करें 1/2 चम्मच देसी घी। बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा कि आपने जवे देसी घी में ही बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में जवे बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत पसंद आने वाले हैं आपको। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।